हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। हमने कल एक्सरसाइज 3.2 करी थी और साथ ही कुछ फार्मूले मैंने समझाए थे आपको, बताए थे, कहा था इन्हें लर्न कर लेना। आज उन फार्मूलों का यूज़ करना सिखाती हूँ आपको। तो अब देखो, क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 3.3। क्वेश्चन नंबर 5, मान ज्ञात कीजिए साइन 75 डिग्री। इसका मान ज्ञात करना है हमें। इसको हम दो पार्ट्स में कर लेंगे, 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। सूत्र लगाएंगे इसमें साइन ए प्लस बी, साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। ये हम सूत्र लगाएंगे, एक्स को 45 डिग्री और वाई को 30 डिग्री। साइन 45 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री साइन 30 डिग्री। ये हमने सूत्र लगाया, साइन 45 डिग्री की वैल्यू रख दी 1/√2, कॉस 30 की वैल्यू रख दी 3/√2, प्लस कॉस 45 डिग्री की वैल्यू रखी 1/√2 और साइन 30 की वैल्यू रखी 1/2। अब इसको मल्टीप्लाई करें इन दोनों को, 3/√2, फिर प्लस का साइन, इन दोनों का मल्टीप्लाई करा 1/√2। एलसीएम लिया हमने 2√2, तो यहाँ से 3 और यहाँ से 1, आंसर आ गया 3+1/√2। अगला है 10 15 डिग्री। इसको भी हम दो पार्ट्स में कर लेंगे, 10 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। 45 में से 30 को माइनस करोगे तो 15 आता है। तो सूत्र लगा दिए इसमें 10x - y का, 10x - 10y अपौन 1+10x - 10y। इसमें x को 45 डिग्री और y को 30 डिग्री हमने लिया है। तो 10 45 डिग्री माइनस 10 30 डिग्री अपॉन 1+10 45 डिग्री 10 30 डिग्री। वैल्यूज पुट कर दी, 10 45 की वैल्यू 1, 10 30 की वैल्यू 1/√3 अपॉन 1+10 45 की वैल्यू 1 और 10 30 की वैल्यू 1/√3। अब इसको 1 को यहाँ से मल्टीप्लाई करके लिख दिया, बाकी सारा एज इट इज उतार लिया हमने। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे 3, तो 3-1, नीचे भी एलसीएम लो 3, तो 3+1। 3 से 3 यह कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा हमारे पास 3-1/√3+1। अब नीचे अंडर रूट में नहीं होता तो इसको हम परिमेयकरण कर देंगे, रेशनलाइजेशन कर देंगे इसका। जो भी नीचे हर में 3+1 है, जो भी यहाँ पे साइन होता है प्लस का साइन है, तो इसका अपोजिट माइनस, उल्टा साइन माइनस का लगा के हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ऊपर 3-1 और 3-1 दो बार है तो होल स्क्वायर कर दिया। यहाँ पे नीचे ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये हमने सूत्र लगाया है। 3 को ए की तरह लिया और 1 को बी की तरह लिया, तो ए प्लस बी ए माइनस बी का सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा 3² - 1² स्क्वायर। इसको सॉल्व करो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लगेगा इसमें। 3² - 3 हो गया, 1² - 1 हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2√3 × 1, तो 2√3 आ जाएगा। 3² - 3 और 1² - 1, 3 और 1 = 4 माइनस 2√3, 4 - 2√3 अपॉन 3 में से 1 गए 2 बचा। यहाँ से हमने 2 कॉमन ले लिया, तो 2 - √3 / 2 और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इस वाले 2 से 2 कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 2-√3। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, कॉस 5/4 - x
कॉस पाए बाय फोर माइनस वाई माइनस साइन पाए बाय फोर माइनस एक्स और साइन पाए बाय फोर माइनस वाई। ये हमने सॉल्यूशन करना शुरू किया इसका। ये हमें सिद्ध करना है कि ये साइन एक्स प्लस वाई के इक्वल है। सॉल्यूशन शुरू करते हैं हम। एलएचएस लिया हमने, कॉस पाए बाय फोर माइनस एक्स, कॉस पाए बाय फोर माइनस वाई माइनस साइन पाए बाय फोर माइनस एक्स, साइन पाए बाय फोर माइनस वाई। तो यहाँ पर हम पाए बाय फोर माइनस एक्स को हम ए सपोज कर लेंगे और पाए बाय फोर माइनस वाई को हम बी सपोज कर लेंगे। तो ये हो जाएगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ये सूत्र होता है कॉस ए प्लस बी का। अब ए की जगह हमने पाए बाय फोर माइनस एक्स रख दिया जो ऊपर सपोज किया था, और बी के जगह पाए बाय फोर माइनस वाई रख दिया। पाए बाय फोर और पाए बाय फोर दोनों को ऐड कर दिया, माइनस एक्स माइनस वाई को हमने अलग लिख लिया। अब इन दोनों का एलसीएम लिया, फोर आ गया, ये फोर हो गया एलसीएम इनका। और पाए प्लस पाए माइनस, यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया हमने, ये हो जाएगा टू पाए बाय फोर, इसे कैंसिल करा पाए बाय टू माइनस एक्स प्लस वाई। और कॉस पाए बाय टू माइनस थीटा का सूत्र होता है साइन थीटा, तो इसको हमने थीटा की तरह ट्रीट करा, तो कॉस पाए बाय टू माइनस एक्स प्लस वाई हो जाएगा साइन एक्स प्लस वाई, और ये आर एच एस के इक्वल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिद्ध कीजिए टेन पाए बाय फोर प्लस एक्स इज इक्वल टू वन प्लस टेन पाए एक्स अपॉन वन अपॉन टेन एक्स का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन है हमारा, तो इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं हम। एलएचएस लो, टेन पाए बाय फोर प्लस एक्स अपॉन टेन पाए बाय फोर माइनस एक्स। पाए बाय फोर होता है 45 डिग्री, तो टेन 45 डिग्री प्लस एक्स और टेन 45 डिग्री माइनस एक्स। सूत्र लगा दिया, इसमें ऊपर अलग सूत्र लगेगा, टेन ए प्लस बी का सूत्र लगेगा। यहाँ पे देखो ये लाइन खींच दी हमने बीच में, जो अंश और हर के बीच की लाइन होती है ये वाली। अब ऊपर हमने सूत्र लगाया टेन एक्स प्लस वाई का, ये आ जाएगा टेन 45 डिग्री प्लस टेन एक्स अपॉन वन माइनस टेन 45 डिग्री टेन एक्स। और नीचे सूत्र लगाएंगे हम टेन ए माइनस बी का, टेन 45 डिग्री माइनस टेन एक्स अपॉन वन प्लस टेन 45 डिग्री टेन एक्स। टेन 45 की वैल्यू रख दी, वन वन प्लस टेन एक्स अपॉन वन इंटू वन वन माइनस वन इंटू टेन एक्स। यहाँ वन माइनस टेन एक्स और वन प्लस वन इंटू टेन एक्स, इस पूरे उसमें हमने टेन 45 डिग्री की वैल्यू वन रख दी। यह आ जाएगा वन प्लस टेन एक्स अपॉन वन माइनस टेन एक्स, नीचे हर में वन माइनस टेन एक्स अपॉन वन प्लस टेन एक्स, ये ऊपर जाएगा और ये सेंटर में जाएगा बीच वाला बीच में। तो वन प्लस टेन एक्स इंटू वन प्लस टेन एक्स अपॉन वन माइनस टेन एक्स इंटू वन माइनस टेन एक्स, ये हो जाएगा वन प्लस टेन एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ पे हो जाएगा वन माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर। अब दोनों के स्क्वायर इकट्ठे कर देंगे, वन प्लस टेन एक्स अपॉन वन माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर, और ये आर एच एस के इक्वल है। इस तरह से हमने इसको प्रूव कर दिया। अगला है क्वेश्चन नंबर एट, सिद्ध कीजिए कॉस पाए प्लस एक्स कॉस माइनस एक्स साइन पाए माइनस एक्स कॉस पाए बाय टू प्लस एक्स। इसको हमने कॉट स्क्वायर एक्स के इक्वल प्रूव करना है। सॉल्यूशन करते हैं हम। एल एच एस लिया हमने, ये वाला हमने लिया, कॉस पाए प्लस एक्स कॉस माइनस एक्स साइन पाए माइनस एक्स कॉस पाए बाय टू प्लस एक्स। अब ये कॉस पाए प्लस एक्स का सूत्र होता है माइनस कॉस एक्स, और कॉस माइनस एक्स का सूत्र होता है कॉस एक्स। साइन पाए माइनस एक्स का सूत्र साइन एक्स, और कॉस पाए बाय टू प्लस एक्स का सूत्र होता है माइनस साइन एक्स। ये आप
टेंथ में सीख चुके हो। अब ये माइनस इधर लिया कॉस, दो बार आ रहा कॉस एक्स तो कॉस स्क्वायर एक्स, ये माइनस साइन दो बार आया तो साइन स्क्वायर एक्स, माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे हम तो कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स होल स्क्वायर बाहर कर दी दोनों के। अब दोनों के होल स्क्वायर को इकट्ठा कर दिया, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स का होल स्क्वायर, कॉस अपॉन साइन होता है कॉट एक्स, कॉट एक्स का होल स्क्वायर ये आ गया कॉट स्क्वायर एक्स और ये आर एच एस के इक्वल हैं। और इस तरह से हमने ये प्रूव किया। अब आता है नाइन्थ क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कॉस थ्री पाई बाय टू प्लस एक्स, कॉस टू पाई प्लस एक्स, कॉट थ्री पाई बाय टू माइनस एक्स प्लस कॉट टू पाई प्लस एक्स इक्वल्स टू वन। सॉल्यूशन शुरू करते हैं। एल एच एस लिया हमने, कॉस थ्री पाई बाय टू प्लस एक्स, कॉस टू पाई प्लस एक्स, कॉट थ्री पाई बाय टू माइनस एक्स और कॉट टू पाई प्लस एक्स। अब ये थ्री पाई बाय टू प्लस एक्स ये वैसे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा बट हमें इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं मालूम, तो हम इसको जो हम स्टैंडर्ड वैल्यूज है उसके हिसाब से हम सॉल्व करेंगे इसको। तो पहले तो हमने लिया कॉस थ्री पाई बाय टू प्लस एक्स, ये लिया हमने। अब थ्री पाई बाय टू प्लस एक्स को हम लिख सकते हैं पाई प्लस पाई बाय टू, क्योंकि अगर इसका एलसीएम लेते हैं तो यही आएगा। इसको दो हिस्सों में तोड़ लिया हमने, या फिर ये कर सकते हो कि थ्री को टू से डिवाइड करो, वन होल वन अपॉन टू आ जाएगा, तो उस हिस्से भी ये पाई प्लस पाई बाय टू बन जाएगा। अब इसको क्या करेंगे हम कि पाई को इधर करा और पाई बाय टू को इसके साथ इधर कर दिया, दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया इसको। अब कॉस पाई प्लस थीटा, अगर इस पूरे को हम थीटा मान लें, कॉस पाई प्लस थीटा ये इसका सूत्र होता है माइनस कॉस थीटा, तो थीटा की जगह हमारा ये आ जाएगा, तो कॉस पाई प्लस थीटा इसकी वजह से हमने थीटा ले लिया तो ये भी थीटा हो गया, और ये कॉस पाई प्लस थीटा उसका सूत्र होता है माइनस कॉस थीटा, तो इसे सामने ये लिख दिया माइनस कॉस थीटा मीन्स कॉस पाई बाय टू प्लस एक्स। अब पाई बाय टू प्लस एक्स कॉस पाई बाय टू प्लस एक्स ये माइनस तो हमने बाहर लिया, कॉस पाई बाय टू प्लस एक्स का सूत्र होता है माइनस साइन एक्स, तो माइनस माइनस प्लस हो गया और ये साइन एक्स आ गया। इसके बाद नेक्स्ट कॉस टू पाई प्लस एक्स, ये कॉस एक्स के इक्वल होता है, ये सूत्र है आपका। इसके बाद ये देखो कॉट थ्री पाई बाय टू माइनस एक्स, तो कॉट थ्री पाई बाय टू माइनस एक्स इसको दो हिस्सों में करा रहा, पाई प्लस पाई बाय टू हो गया ये। अब ये पाई बाय टू को इसके साथ जोड़ दिया एक्स के साथ, अब ये बन गया कॉट पाई प्लस थीटा, उसका सूत्र होता है माइनस कॉस थीटा माइनस कॉट थीटा, तो ये थीटा की तरह वर्क कर रहे हैं, तो हमने ये पूरा थीटा की तरह वर्क कर रहा है, माइनस कॉट पाई बाय टू माइनस एक्स हो गया। अब माइनस को बाहर लिखा, कॉट पाई बाय टू माइनस एक्स ये होता है माइनस टेन थीटा के इक्वल, माइनस टेन एक्स के इक्वल, तो ये माइनस टेन एक्स आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया और ये टेन एक्स आ गया। नेक्स्ट है कॉट टू पाई प्लस एक्स, कॉट टू पाई प्लस एक्स ये कॉट एक्स के इक्वल होता है। अब हर एक की वैल्यू ऊपर से रख दी, यहाँ पे कॉस थ्री पाई बाय टू प्लस एक्स इसकी वैल्यू निकली साइन एक्स, तो ये साइन एक्स यहाँ पे रख दिया हमने, ये रख दिया साइन एक्स। नेक्स्ट है कॉस टू पाई प्लस एक्स, तो ये वैल्यू कॉस एक्स थी ये हमने यहाँ रख दी। आगे ब्रैकेट में है कॉट थ्री पाई बाय टू माइनस एक्स, इसकी वैल्यू टेन एक्स है, तो ये टेन एक्स हमने यहाँ ब्रैकेट में रख दी। और नेक्स्ट है कॉट टू पाई प्लस एक्स, इसकी वैल्यू कॉट एक्स है, ये हमने ब्रैकेट में रख दी। अब टेन को और कॉट को हम साइन और कॉस की फॉर्म में ले आएंगे, ये हो जाएगा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स और ये हो गया कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। एलसीएम लिया कॉस एक्स साइन एक्स,
ये आ गया साइन स्क्वायर एक्स और यहाँ से आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, इसकी वैल्यू होती है 1। तो साइन एक्स कैंसिल हुआ, कॉस एक्स से कॉस एक्स कैंसिल हुआ, और ये वैल्यू बचा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और ये 1 के इक्वल होता है। ये हमारा आर एच एस आ गया। इस तरह से हमने ये प्रूव कर दिया। अब 10th क्वेश्चन, साइन एन माइनस एन प्लस 1 इंटू एक्स साइन एन प्लस 2x कॉस एन प्लस 1x कॉस एन प्लस 2x इज इक्वल टू कॉस एक्स। इसमें यहाँ एन प्लस 1x को हम a सपोज कर लेंगे और एन प्लस 2x को हम b सपोज कर लेंगे। तो ये हो गया साइन a साइन b और कॉस a कॉस b। ये सूत्र होता है कॉस, इसको हम सीधा करके लिखें कॉस a कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ये सूत्र होता है कॉस ए माइनस बी का। ए की जगह एन प्लस 1 इंटू एक्स रख दिया और बी की जगह एन प्लस 2 इंटू एक्स रख दिया। इसको ओपन करा एन एक्स प्लस एक्स और माइनस एन एक्स माइनस 2x, एन एक्स से एन एक्स कैंसिल हो गया, एक्स माइनस 2x तो ये आ गया माइनस एक्स, और ये कॉस एक्स के इक्वल होता है। ये आर एच एस हैंस प्रूफ। 11th क्वेश्चन करते हैं हम। कॉस 3π/4 प्लस एक्स माइनस कॉस 3π/4 माइनस एक्स, इसको प्रूव करना है माइनस रूट 2 साइन एक्स के इक्वल। तो सॉल्यूशन शुरू करते हैं, LHS लेते हैं। कॉस 3π/4 प्लस एक्स माइनस कॉस 3π/4 माइनस एक्स, ये कॉस a प्लस बी, इसका सूत्र लगाएंगे हम। कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, इधर माइनस, यहाँ कॉस ए माइनस बी का सूत्र लगाएंगे। कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, इसको पूरे को ओपन कर दिया, ये माइनस वाला ब्रैकेट ओपन कर दिया हमने, खोल दिया। अब ब्रैकेट खोलेंगे तो ये देखो ये कॉस 3π/4 कॉस एक्स, ये प्लस का है, और यहाँ माइनस कॉस 3π/4 कॉस एक्स, तो यहाँ से इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब ये माइनस ये दो बार आ रहा है, सेम नंबर दो बार आ रहा है, तो माइनस 2 साइन 3π/4 साइन एक्स। अब 3π/4 को ओपन करो, ये हो गया जैसे पहले बताया था, 3 को अगर 4 से डिवाइड करते हैं हम, 3 को 4 से डिवाइड, 4 1 4 माइनस 1 है, तो ये हो जाता है 1 होल माइनस 1/4, 1 होल माइनस 1/4। अब जैसे ये 1 होल माइनस 1/4 को पाई, अब दोनों को पाई से गुणा कर देंगे, 1 को पाई से करा तो पाई आ गया, माइनस 1 को पाई से करा माइनस 1/4 को, तो माइनस पाई बाय 4 आ जाएगा। तो यहाँ तुम देखोगे ये हो गया माइनस 2 साइन पाई माइनस पाई बाय 4, ये होता है पाई बाय 4 साइन पाई बाय 4 के इक्वल, ये साइन एक्स, साइन पाई बाय 4 की वैल्यू रख दी 1/√2, इससे ये कैंसिल करा तो माइनस रूट 2 साइन एक्स आ गया, ये आर एच एस के इक्वल हैंस प्रूव्ड। अब क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे हम। साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x इज इक्वल टू साइन 2x साइन 10x। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि इसको 2 से गुणा और 2 से भाग करते हैं। 2 से गुणा किया और 2 से भाग किया हमने, इस 2 को हम अगले स्टेप में अंदर ले आएंगे, 2 साइन स्क्वायर 6x माइनस 2 साइन स्क्वायर 4x। अब एक सूत्र है हमारे पास, कॉस 2x इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। 2 साइन स्क्वायर एक्स को इधर लाए, कॉस 2x को इधर लिया है, 1 माइनस कॉस 2x बन गया ये। यहाँ पे इसके अब जैसे यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर एक्स है, तो यहाँ पे x की जगह कॉस 2x आ रहा है। तो यहाँ भी देखो, यहाँ भी हम ये करेंगे, जैसे यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर 6x है, तो 1 माइनस कॉस 12, ये 6x का डबल 12x, 6 to the 12, क्योंकि यहाँ पे x का डबल 2x, या इसको ये भी सोच सकते हो, सूत्र है ये कि 2x इसमें इकट्ठा लिख दिया, ऐसे 2 6 था 12,
तो 6 to the 12, ऐसे यहाँ 2 sin² 4x है तो 1 माइनस इस 4x का डबल हो जाएगा 8x, 1 माइनस cos 8x। इसका ब्रैकेट ओपन करा, 1 माइनस cos 12x माइनस 1 प्लस cos 8x, 1 से 1 कैंसिल हो गया। यहाँ cos 8x माइनस cos 12x, यहाँ 1/2 बाहर है। अब ये cos A माइनस cos B, ये सूत्र, तो 2 sin x + y/2 इंटू sin y - x/2, ये हम सूत्र लगाएंगे इसमें। तो ये 8x + 12x/2 और 12 - 8x/2, 12 और 8 20/2, 10x आ गया, 12 में से 8 के 4/2, 2x आ गया। तो ये आ गया 2 sin 10x sin 2x, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, ये आपका आंसर आ गया sin 2x into sin 10x, ये RHS के इक्वल है। 13 क्वेश्चन करते हैं अब हम, सेम वही मेथड, सब कुछ वही चलेगा इसमें, बस साइन की जगह कॉस आ गया। cos² 2x - cos² 10x, इसको प्रूव करना है हमने sin 4x sin 8x। यहाँ भी हम 2 से गुणा और 2 से भाग करेंगे, 1/2 2 cos² 2x - 2 cos² 6x। अब यहाँ पर यहाँ cos 2x का सूत्र होता है 2 cos² x - 1, ये 1 उधर जाएगा। अगर 2 cos² x जो है वो 1 + cos 2x के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने लिख दिया इस cos 2x का 4x हो जाएगा, तो 1 + cos 4x और 1 + cos 12x, इसको ओपन करा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1/2 cos 4x - cos 12x। अब इसके बाद सूत्र लगा देंगे cos A - cos B, तो ये होता है 2 sin A + B/2 sin B - A/2। तो cos x - cos y का सूत्र वही है, तो ये 12 4 16/2 8x हो गया, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, 12 में 4 गए 8, 8 को 2 से भाग किया तो 4x आ गया sin 8x sin 4x, तो ये RHS के इक्वल है, हैंस प्रूफ्ड। क्वेश्चन 14, sin 2x + 2 sin 4x + sin 6x = 4 cos² x sin 4x। सॉल्यूशन शुरू करते हैं इसका, LHS लेते हैं हम, sin 2x + 2 sin 4x + sin 6x। अब इसमें क्या करते हैं, देखो जैसे ये 2 और 6, बाहर बाहर के देखो 6 और 2 8, 8 का आधा करा 4 आता है, ये बीच के इक्वल है। तो हम इसमें क्या करते हैं, इन दोनों को एक ब्रैकेट के में रख लेते हैं और इसको अलग रख लेंगे। तो अब इन दोनों में सूत्र लगाएंगे, तो 2 ये sin A + sin B, तो sin A + B/2 cos A - B/2, वो सूत्र लग जाएगा इसमें। तो 2 sin 2x + 6x/2 cos 2x - 6x/2, और इसको बाहरी रखा 2 sin 4x। अब ये आगे सॉल्व करेंगे तो 2 sin 4x, इसको करेंगे cos, ये 4/2 आगे cos - 2x और 2 sin 4x। cos - 2x, cos - x का सूत्र होता है cos x, यहाँ cos - 2x है तो cos 2x, माइनस इसमें हट जाता है। अब 2 sin 4x cos 2x + 2 sin 4x, 2 sin 4x कॉमन ले लिया, cos 2x + 1, इसका सूत्र लगा दिया 2 cos² x, तो 2 to the 4 cos² x sin 4x, ये RHS के इक्वल। क्वेश्चन नंबर 15, cot 4x sin 5x + sin 3x = cot x,
साइन 5x माइनस साइन 3x। अब इधर भी बहुत बड़ा नंबर है, इधर भी बड़ा नंबर है, तो दोनों को ही सॉल्व करेंगे और दोनों के आंसर को हम इक्वल दिखा देंगे। तो सॉल्यूशन शुरू करते हैं। पहले LHS लिया हमने, cot 4x sin 5x प्लस sin 3x, cot 4x हो जाएगा cos 4x अपॉन sin, cos अपॉन sin का सूत्र, और यहाँ पे sin a प्लस sin b का सूत्र लगा देंगे, 2 sin 5x प्लस 3x अपॉन 2 cos 5x माइनस 3x अपॉन 2। इसको एज इट इज लिख देंगे, cos 4x अपॉन sin 4x, और ये हो गया 2 sin 4x cos x। sin 4x से sin 4x कैंसिल हो गया, 2 को बाहर लिया, cos x और cos 4x, इसका तो आंसर हमने ये निकाल लिया। अब RHS को शुरू करते हैं। RHS है cot 5x, cot x sin 5x माइनस sin 3x। तो cos x अपन sin x, और यहाँ sin a माइनस sin b का सूत्र लगा देंगे, 2 sin 5x माइनस 3x अपॉन 2 cos 5x प्लस 3x अपॉन 2। पाँच में से दो, तीन गए दो अपॉन दो, तो दो से दो कट के sin x बन जाएगा, पाँच और तीन 8x को दो से भाग कर 4x आ जाएगा। तो cos x अपॉन sin x इंटू 2 sin x cos 4x, sin x से sin x कैंसिल हो गया, ये आ गया 2 cos x और cos 4x। अब ऊपर वाले का LHS का आंसर और RHS का आंसर दोनों इक्वल आ गया, तो हम यहाँ लिख देंगे LHS इज इक्वल टू RHS और हैंस प्रूव्ड। 16 क्वेश्चन, cos सिद्ध करना है, cos 9x माइनस cos 5x अपॉन sin 17x माइनस sin 3x इज इक्वल टू माइनस sin 2x अपॉन cos 10x। तो सॉल्यूशन शुरू करते हैं। LHS लेते हैं हम, cos 9x माइनस cos 5x sin 17x माइनस sin 3x। cos a माइनस cos b का सूत्र लगाएंगे, 2 sin 9x प्लस 5x अपॉन 2 sin 5x माइनस 9x अपॉन 2। नीचे sin x माइनस sin y का सूत्र लगाएंगे हम, तो 2 sin 17x माइनस 3x अपॉन 2 cos 17x प्लस 3x अपॉन 2। 2 sin ये इसको सॉल्व करेंगे 7x, ये सॉल्व करेंगे माइनस 2x, यहाँ सॉल्व करेंगे तो 2 sin 7x, और यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो cos 10x आ जाएगा। अब यहाँ पे sin माइनस 2x को, ये sin 7x से sin 7x कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा हमारे पास sin माइनस 2x, ये हो जाएगा माइनस sin 2x के इक्वल, और नीचे cos 10x, ये आपका RHS के इक्वल आ जाएगा। 17 क्वेश्चन, सेम वही, यहाँ sin 5x प्लस sin 3x cos 5x प्लस cos 3x। सॉल्यूशन इसका, इसका हमने 10 4x के इक्वल शो करने है। LHS लिया, तो sin a प्लस sin b का सूत्र लगा दिया, नीचे cos a प्लस cos b का सूत्र लगा दिया, इनको सॉल्व करा तो आ जाएगा sin 4x cos x और cos 4x cos x, cos x से cos x कैंसिल हो गया, sin अपॉन cos दोनों के एंगल तो सेम है 4x, तो sin 4x अपॉन cos 4x ये हो जाता है 10 4x के इक्वल, और ये RHS के इक्वल आ जाएगा। 18 क्वेश्चन, sin x माइनस sin y अपॉन cos x प्लस cos y, ये भी सिंपल सूत्र लगाया हमने, 2 sin x माइनस y अपॉन 2 cos x प्लस y अपॉन 2, यहाँ भी सेम सूत्र लगाया, नीचे cos x प्लस cos y का, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा sin x माइनस y अपॉन 2 cos x माइनस y अपॉन 2, और ये sin अपॉन cos 10 के इक्वल एंगल सेम x माइनस y अपॉन 2। 19 क्वेश्चन करते हैं, सेम ये भी, sin x प्लस sin 3x cos x प्लस cos 3x LHS लिया हमने, और ये सूत्र हम लगाते चले गए, ऊपर में sin a प्लस sin b वाला सूत्र, और नीचे cos a प्लस cos b का सूत्र। अब ये cos माइनस x यहाँ भी है, cos माइनस x यहाँ भी, ये दोनों कैंसिल हो गए, 2 से 2 कैंसिल हो गया, और ये आ गया 10 2x। अगला 20वां क्वेश्चन, sin x माइनस sin 3x
अपॉन साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ये प्रूव करना है टू साइन एक्स के इक्वल में। तो हमने इसका LHS लिया, ये आ गया टू साइन एक्स माइनस थ्री एक्स अपॉन टू कॉस एक्स प्लस थ्री एक्स अपॉन टू। इसका जो नीचे हर है उसका माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ आ जाएगा टू साइन माइनस एक्स कॉस टू एक्स, नीचे आ गया माइनस कॉस टू एक्स। यहाँ सूत्र लगा दिया हमने माइनस, ये कॉस टू एक्स से कॉस टू एक्स कैंसिल हो गया, या नीचे माइनस वन बचा ऊपर माइनस टू साइन एक्स, माइनस से माइनस कैंसिल कर दिया तो टू साइन एक्स इसका आंसर आ जाएगा। 21वां क्वेश्चन, कॉस फोर एक्स प्लस कॉस थ्री एक्स प्लस कॉस टू एक्स अपॉन साइन फोर एक्स प्लस साइन थ्री एक्स प्लस साइन टू एक्स इज इक्वल टू कॉट थ्री एक्स। अभी तुम्हें पीछे भी एक क्वेश्चन बताया था कि पहले इसके बाहर बाहर के करके देखो, कॉस फोर एक्स प्लस कॉस टू एक्स इन दोनों को जोड़ेंगे, फोर एक्स और टू एक्स को, तो ये आ जाएगा सिक्स एक्स अपॉन टू करेंगे तो थ्री एक्स आ जाएगा। तो इन दोनों को हम एक ब्रैकेट में हम रख लेंगे, कॉस फोर एक्स प्लस कॉस टू एक्स और इस कॉस थ्री एक्स को हम अलग रखेंगे बाहर की तरफ। इसी तरह से नीचे भी हम फोर एक्स और टू एक्स को एक ब्रैकेट में रख देंगे और साइन थ्री एक्स को हम अलग रख देंगे। अब यहाँ पे हम सूत्र लगा देंगे कॉस ए प्लस कॉस बी का, कॉस थ्री एक्स है, यहाँ साइन ए प्लस साइन बी का साइन थ्री एक्स है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा और इसमें कॉस थ्री एक्स दोनों में ये कॉमन ले लेंगे, बाहर टू टू यहाँ आएगा दोनों में, तो कॉस थ्री एक्स कॉमन ले लेंगे टू कॉस एक्स, और यहाँ से साइन थ्री एक्स कॉमन ले लेंगे तो टू कॉस एक्स प्लस वन, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। कॉस अपॉन साइन होता है कॉट के इक्वल और ये आ जाए कॉट थ्री एक्स आर एच एस के इक्वल, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन 22 है, कॉट एक्स कॉट टू एक्स माइनस कॉट टू एक्स कॉट थ्री एक्स माइनस कॉट थ्री एक्स कॉट एक्स इज इक्वल टू वन। ऐसा ही एक एग्जांपल भी है, इसे समझ लो ठीक से, तो एग्जांपल आप अपने आप करना। देखो अगर हम ये मान के चलते हैं, ये माना भी नहीं, ये हम लेके चलते हैं कि 3x जो होता है वो x प्लस 2x के इक्वल होता है, ये हम पता है कि अगर x और 2x को जोड़ेंगे तो वो 3x के इक्वल आएगा, तो ये हम लेके चलते हैं। बस इसकी ट्रिक यही है कि यहीं से शुरू करना है इसको, तो इसका सॉल्यूशन यहीं से शुरू होता है कि 3x को हम x प्लस 2x लिखते हैं, दोनों साइडों का कॉट लेने पर कॉट 3x इज इक्वल टू कॉट x प्लस 2x, कॉट 3x इज इक्वल टू कॉट x कॉट 2x माइनस 1 अपॉन कॉट 2x प्लस कॉट x। इनकी वज्र गुणा कर दो, कॉट 3x की इससे करो, यहाँ पे ये इधर ऊपर वाले ऊपर है, इन दोनों गुणा करी कॉट 3x कॉट 2x प्लस कॉट 3x कॉट x इज इक्वल टू कॉट x कॉट 2x माइनस 1, 1 को उधर ले गए और इसको कॉट एक्स इसको पहले लिख दिया, वन को उधर ले गए और ये पहले, और इन दोनों को हम राइट साइड में लेके आएंगे तो कॉट थ्री एक्स कॉट टू एक्स इधर आके माइनस का हो जाएगा और कॉट थ्री एक्स कॉट एक्स भी इधर आके माइनस का हो जाएगा। अब इसको या जैसे मैं क्वेश्चन में चाहिए जो मैं उसको प्रूव करना है उसी फॉर्म में लिख के, पहले हमने कॉट एक्स कॉट टू एक्स लिख दिया, फिर कॉट टू एक्स कॉट थ्री एक्स लिख दिया माइनस में और कॉट थ्री एक्स कॉट एक्स इज इक्वल टू वन, हैंस प्रूव्ड। अब नेक्स्ट 23वां क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, टेन फोर एक्स इज इक्वल टू फोर टेन एक्स इंटू वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन वन माइनस सिक्स टेन स्क्वायर एक्स प्लस टेन फोर एक्स। एल एच एस लेके चलते हैं, टेन फोर एक्स इसको हम लिख देंगे टू इंटू टू एक्स, सूत्र लगाओ टू टेन टू एक्स अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर टू एक्स। अब यहाँ टू एक्स है, यहाँ पे फिर से सूत्र लगेगा टू टेन एक्स अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स और नीचे वन माइनस, इस टेन टू एक्स की जगह टू टेन एक्स अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर का सूत्र लग गया, मतलब टेन फोर एक्स में सिक्स
सेम सूत्र टेन टू एक्स वाला, वो दो बार लगेगा। एक बार तो हमने इसको टू को बाहर लिया तो टू एक्स अंदर है, तो हम यहाँ पे टू एक्स लेके चल रहे हैं। एक बार टेन टू एक्स का सूत्र लगाया तो टेन एक्स अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स। अब इसको आगे हम सॉल्व कर देंगे, फोर टेन एक्स अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स, वन माइनस फोर टेन स्क्वायर एक्स अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। नीचे हम एलसीएम लेंगे इसका, वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस फोर टेन स्क्वायर एक्स। अब ये जो ब्रैकेट है इसको ओपन कर देंगे हम, उससे पहले हम इसको ऊपर ले जाएंगे यहाँ पे और इसको यहाँ पे लेके जाएंगे। ये ऊपर आ गया वन माइनस टेन स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये यहाँ पे लिखा है नीचे। अब ये स्क्वायर से ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा फोर टेन एक्स इंटू वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन वन। अब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, वन प्लस टेन के पावर फोर एक्स माइनस टू टेन स्क्वायर एक्स माइनस फोर टेन स्क्वायर एक्स। ये हो गया फोर टेन एक्स इंटू वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स, और वन ये चार और दो छः हो गए, माइनस सिक्स टेन स्क्वायर एक्स प्लस टेन के पावर फोर एक्स हैंस प्रूफ्ड। चौबीसवां क्वेश्चन करते हैं, सिद्ध कीजिए कोस फोर एक्स वन माइनस एट साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। कॉस फोर एक्स, इसको जैसे पीछे हमने टेन फोर एक्स को लिखा था ऐसे इसको भी लिख देंगे, कॉस टू इंटू टू एक्स। अब देखो यहाँ पे वन माइनस है, तो कॉस टू इंटू टू एक्स का मैं वो सूत्र लगाना है जिसमें वन माइनस आता हूँ, तो वो होता है वन माइनस टू साइन स्क्वायर टू एक्स। साइन टू एक्स को हमने ब्रैकेट में रखा है, स्क्वायर बाहर कर दिया, वन माइनस टू इस साइन टू एक्स की वैल्यू रख दी, फार्मूला रख दिया टू साइन एक्स कॉस एक्स का होल स्क्वायर। तो वन माइनस टू इसका स्क्वायर ओपन कर दिया, फोर साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ये फोर टू द एट, वन माइनस एट साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ये आर एच एस के इक्वल आ गया, और इस तरह से ये प्रूव हो गया। अब क्वेश्चन 25 करते हैं, सिद्ध कीजिए कॉस सिक्स एक्स इज इक्वल टू थर्टी टू कॉस के पावर फोर एक्स माइनस फोर्टी एट कॉस के पावर फोर एक्स प्लस एटीन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन। इसमें हमने लिया कॉस सिक्स एक्स, इसको टू को अलग करा, टू इंटू थ्री एक्स। अब इसका कॉस टू एक्स का सूत्र लगाएंगे, टू कॉस स्क्वायर थ्री एक्स माइनस वन, क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ माइनस वन आ रहा है, इसलिए हमें ये सूत्र लगाना है कि माइनस वन हमें मिल जाए मेन। तो कॉस थ्री एक्स का होल स्क्वायर माइनस वन, और कॉस थ्री एक्स की वैल्यू रख दी फोर कॉस के क्यूब एक्स माइनस थ्री कॉस एक्स का स्क्वायर। अब टू और इसको ओपन कर देंगे हम, फोर कॉस क्यूब एक्स का स्क्वायर माइनस टू इंटू फोर कॉस क्यूब एक्स इंटू थ्री एक्स, और यहाँ पे प्लस थ्री एक्स कॉस एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ ब्रैकेट क्लोज और यहाँ माइनस वन करेंगे। अब टू, अब इसको ओपन करा, टू इंटू ये सब ओपन करके आ गया सिक्सटीन कॉस की पावर सिक्स एक्स, टू फोर टू द एट, एट थ्री ट्वेंटी फोर कॉस की पावर फोर एक्स, और थ्री थ्री द नाइन कॉस स्क्वायर एक्स। अब इस टू को यहाँ ब्रैकेट के अंदर सबसे मल्टीप्लाई कर दिया, थर्टी टू कॉस की पावर सिक्स एक्स माइनस फोर्टी एट, फोर्टी एट कॉस की पावर फोर एक्स, और नाइन टू द एटीन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन। ये आर एच एस के इक्वल है, इस तरह से हमने इसे प्रूव करा, हैंस प्रूव्ड। और ये आपकी एक्सरसाइज पूरी फिनिश हो गई, एक्सरसाइज 3.3 के पाँच के चार क्वेश्चन हमने कल करे थे, और इसके बाद हमने आइए सारे के करके ये एक्सरसाइज हमने फिनिश कर दी। अब इसकी प्रैक्टिस कीजिए आप, और कुछ भी आपको प्रॉब्लम है तो आप प्रॉब्लम ले लीजिएगा। ओके, थैंक यू।